मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मुस्लिम को मेयर बनाने की अपील की। आपको बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाउद्दीन ने मुसलमानों से अपील की है कि वह 11 मई को होने वाले मेयर पद के चुनाव में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ को भारी मतों से जीत कर मेयर पद की सीट पर आसीन करें। ने कहा कि डॉक्टर आईएस तोमर किसी भी सूरत से मुसलमान कबूल ना करें, ना इनको वोट दें। जब वह मेयर बरेली के थे तो उन्होंने मुस्लिम बस्ती में कोई विकास नहीं किया था। मुसलमान होने के नाते आप इनकी अपील कर रहे हैं? 89 से हिंदू लोग काबिज रहे और हमने कभी ये बात नहीं की और हमने हमेशा शिकायत की कि मुस्लिम महलों में काम नहीं होता है, मगर उन्होंने कतर कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया 89 से लेकर अब तक 2023 चल रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। हमें सोचने पर और फैसला करने पर इन्हीं लोगों ने मजबूर किया है, इसलिए हमने फैसला किया है कि मुस्लिम मेयर बनाएंगे। साहब, लंबे समय से आप कहते चले आए कि मुसलमानों को विकल्प देखना पड़ेगा। इस बीच आप बड़ी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा काफ़ी तारीफ आप करते चलाए और अब चुनाव से एन पहले आप बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे रहे हैं मुसलमान होने के नाते, तो ये क्या एक तरीके से इनडायरेक्टली भाजपा के पाले में खेलने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा भाजपा से किसी तरीके से कोई संबंध नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिला, तो मैंने एनआरसी का मामला उठाया और एनआरसी के मुद्दे पर मैंने मुलाकात की, उनको मेमोरेंडम दिया और उन्होंने, दोनों लोगों ने हमारी बात को माना और जो वहाँ पे डॉट डॉट की पोजीशन थी, जो माँ बाप के पेपर मांगे जा रहे थे, पैदाइशी और मृत्यु सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, तो हमारी ही बात पर उलमा इकराम के डेलीगेशन के साथ में उन्होंने हमारी बात को माना और तस्लीम किया। उस पर हमने ये कहा कि आप पार्लियामेंट में भी कहेंगे, तो दूसरे दिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो दूसरे दिन पार्लियामेंट की तकरीर है, तो उसमें होम मिनिस्टर ने खड़े होकर के कहा, दो मर्तबा खड़े होकर के कहा कि जो डाउट की पोजीशन एनआरसी में थी वो हमने खत्म कर दी है। उलमा का एक डेलीगेशन आया था, उनके मुतालबे पे हमने ये बात खत्म कर दी है। तो मसाइल के लिए हम किसी के पास जा सकते हैं, मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए हम हर एक के पास में जाएंगे, जो जिसकी गवर्नमेंट होगी, जो बरसर इख्तदार होगा, हम उसके साथ जाएंगे। अभी तक आप जो है बीजेपी की योजनाओं के बखान करते थे, उनकी तारीफ करते थे कि मुसलमान सुरक्षित है और हर योजना का फायदा मिल रहा है, और आप बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान चुनाव देखिए, मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में कि मिन हैसिल कौम मैंने बात की है, मैंने कोई पार्टी बेसिस नहीं, और हम यहीं से विकल्प तैयार करने जा रहे हैं। हम विकल्प की आज शुरुआत कर रहे हैं, अल्टरनेट हम मुसलमानों को दे रहे हैं कि मुसलमान जो है वो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कि कोई भी इस नजरिए को पार्टी बेसिस पे मत देखिए। हम मिन हैसिल कौम मोहम्मद यूसुफ साहब को समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ तो भी आपने कहा कि समर्थन देने की बात क्यों, जब आप ये कह रहे हैं कि हम सबके पास जाएंगे अपना काम करवाने के लिए, तो अगर कोई हिंदू प्रत्याशी बनेगा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का क्यों? मसाइल के हल के लिए, मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए हम हर एक के पास में जाएंगे। अभी देखिए बिचपुरी में मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर चलाए गए, यूनिवर्सिटी के पीछे एक मजार था उसको शहीद किया गया, इज्जत नगर स्टेशन पर हजरत नन्हे शामिया के मजार पर जो है अधिकारियों ने नोटिस चिस्पा कर दिया कि 28 दिसंबर को बिल्डोजर चला दिया जाएगा। हमने लड़ाई लड़ी और हमने खुद हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर किया, केस किया, और आज भी यहाँ पर सिविल कोर्ट बरेली में मुकदमा चल रहा है और मैं उसका मुद्दई हूँ। तो ये कहना कि ये कहना जो आप लोग कह रहे हैं ये गलत है। हम तो मसाइल के हल के लिए हम कुछ भी संघर्ष कर सकते हैं, किसी के पास में जा सकते हैं, मगर हम एक मुसलमानों को एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, विकल्प के तौर पर अल्टरनेट के लिए, तो हम बरेली से मोहम्मद यूसुफ की शक्ल में हम जो है वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसका आगाज कर रहे हैं, इसको पार्टी बेसिस पे आपने देखा मिन हैसिल कौम मुसलमान होने की हैसियत से। मैंने इसका कोई सर्वे नहीं किया है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने काम कराया है या नहीं कराया। ये प्रत्याशी जाने। अभी तो आपने काम नहीं कराया है मुस्लिम एरियो में। नहीं, पर्टिकुलर इन्होंने नाम लेके पूछा, पर्टिकुलर इन्होंने नाम लेके पूछा, इसलिए मैंने बात कही है। तो मौलाना साहब, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, अगर वो मेयर बनते हैं, तभी मुस्लिम मोहल्लों का विकास होगा?
बिल्कुल अभी तक जितना भी रिकॉर्ड हम देखा गया, जो लोग हम लोग जितना भी हमारे उलमाए कराम ने, हमारी जो तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, उन लोगों ने जो बताया वो यही बताया कि नाइंसाफी बरती गई है। कितने ऐसे जो मुस्लिम वार्ड है, कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिन लोगों ने बताया आपके पास कि यहाँ पर काम नहीं हुआ? आप कोई कोई तो रिकॉर्ड हो, कोई तो आधार होगा जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? मेरे संगठन के लोगों ने बताया है, कोई मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं है। ठीक ठीक।